हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब देख रहे हैं आई टेक, आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि जैसे आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मेरे थंबनेल में मैंने कैसे बैकग्राउंड चेंज किया है। तो देखिए, मैं चुटकियों भर में अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। देखिए, मेरे पीछे कुछ बैकग्राउंड अभी अलग आ चुका है, कुछ अभी अलग बैकग्राउंड है। तो इस तरह आप भी अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पीछे टेक का बैकग्राउंड है, आप भी अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ ऐप डाउनलोड नहीं करना है, ना आपको कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, फिल्मोरा या फिर काइन मास्टर्स, कुछ नहीं करना। आपको बस एक वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जस्ट अपना वीडियो अपलोड कर देना है, वहाँ बाकी सारा काम वो वेबसाइट कर देगा। तो आइए देखते हैं अपने लैपटॉप। आप आगे अपनी स्क्रीन पे, वहाँ आपको लिखना अनस्क्रीन। उसके बाद अनस्क्रीन लिखने के बाद आपका फर्स्ट रो आएगा अनस्क्रीन रिमूव वीडियो, आपको उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद आपके इंटरफेस खुलेगा कुछ देर में। आपके नेट स्पीड पे डिपेंड करता है कितने फास्ट आपका नेट चलता है। तो यहाँ आ चुका है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं unscreen.com लिख के अपने गूगल सर्च पे। उसके बाद ये दिख रहा है कुछ इंटरफेस ऐसा आएगा। मैंने उसके बाद लिखा है अपलोड क्लिप और GIF, सर्च GIF। तो आप इसके अंदर अपनी कोई भी क्लिप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं अपनी कोई क्लिप अपलोड करता हूं। तो देखिए, मैं अपलोड पे क्लिक मैंने किया। उसके बाद मैं अपनी पुरानी जो ग्रीन स्क्रीन में मैंने रिकॉर्ड किया था उस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं कोई भी रैंडमली एक वीडियो सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद उसको ओपन करूँगा। उसके बाद अपलोड, ये अपलोड पे एक बार वापस हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्रिपेयरिंग अपलोड पे जाएगा, कुछ वक्त लगेगा। प्रिपेयरिंग अपलोड बताने के वक्त बाद ये देखिए स्क्रीन पे आ चुके हैं हम। अब देखिए, इस तरह से मेरी वीडियो जो थी कट चुकी है। तो एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी वीडियो इस तरह से देखो कट गई है। अभी कंपोजिंग होगा, थोड़ा वक्त लगेगा कंपोजिंग में। तो इसको हम फास्ट फॉरवर्ड भी कर देते हैं ताकि आपको फटाफट पता लग जाए। कंपोजिंग में काफ़ी वक्त लग जाएगा जो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से हम थोड़ा इसको वीडियो क्लिपिंग कर देते हैं। कटिंग टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने वीडियो थोड़ी क्रॉप कर दी है। मैंने पॉज करके इसको वापस से स्टार्ट किया। देखो 64 पे हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद 65, धीरे धीरे ये हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और फॉरवर्ड करूँगा। देखिए, हमारा ये हो गया। इस तरह से मेरी वीडियो जो है वो कट चुकी है एकदम कटआउट में, पीछे का बैकग्राउंड एकदम बिल्कुल से चला गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि आपको इसमें जो नीचे बैकग्राउंड दिए गए हैं वीडियो, उसको आप ऐड कैसे कर सकते हैं। तो ऐड करना बहुत आसान है, आपको बस एक उस पर इमेज पर क्लिक करना है और आपका देखिए बैकग्राउंड तुरंत सेकंड में चेंज हो जा रहा है। देखिए, आपको वक्त भी नहीं लग रहा, आपका बैकग्राउंड चेंज होकर आ जा रहा है। देखिए, ग्रास आ गई पीछे, कोई भी एक सेकंड में नहीं पता लगा पाए। आपको कुछ भी बैकग्राउंड आप काट सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो गया किसी के लिए। कोई भी अपनी वीडियो चाहे तो एडिट कर सकता है बहुत आसानी से, कुछ भी वक्त नहीं लगेगा उसको। देखिए कितने कूल बैकग्राउंड पीछे आ रहे हैं। आप घर पे बैठे बैठे किसको पता भी नहीं लगेगा आप कहाँ हो, आपके बैकग्राउंड चेंज हो जाएंगे। और कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कुछ हैवी लोड नहीं लेना अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल में कुछ नहीं करना है। बस आपको यही करना है कि आपकी स्क्रीन देखिए इस तरह से चेंज होती रहेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे मैंने अपनी स्क्रीन चेंज की, और इस तरह आप भी अपनी स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक वेबसाइट पर जाके अपना वीडियो अपलोड करके उसका बिल्कुल कटआउट, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपके बैकग्राउंड में आप कहीं और हैं। आप अपने घर में शूट कर सकते हैं चीज़ें और आप उसका बैकग्राउंड बिल्कुल काट सकते हैं। आपको कोई क्रोमा की ज़रूरत नहीं है, कुछ ग्रीन पर्दों की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है और वो जो जो चीज़ें मैंने की उसको फॉलो करनी है और बस आपकी वीडियो एकदम तैयार हो जाएगी। फिर आप कुछ भी बैकग्राउंड लगाएं और आपका वीडियो एकदम मस्त दिखेगा। और आप उसको YouTube पे अपलोड कर सकते हैं, Instagram पे अपलोड कर सकते हैं, कहीं भी अपलोड कर देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में। और ए टैग के साथ बने रहिए।